हेलो दोस्तों, वेलकम टू SND एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह ग्राइंडिंग पर बेस्ड है, जिसमें आपने कई बार टेक्निकल एग्ज़ाम्स में ग्राइंडिंग टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपके ITI एग्ज़ाम हो, या मैकेनिकल से रिलेवेंट किसी भी ट्रेड में जो है ग्राइंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, ग्राइंडिंग, अब ग्राइंडिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है और इससे जो है बहुत ही परफेक्ट एक्यूरेसी के अंदर पार्ट्स को तैयार किया जा सकता है और वह जो है उनको शार्प किया जा सकता है, ठीक है, इसके द्वारा। तो ग्राइंडिंग का तो ये छोटा सा इंट्रो हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यह ग्राइंडिंग करने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है आपका ग्राइंडिंग टूल। अब ग्राइंडिंग टूल किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो दोस्तों, आपका ग्राइंडिंग टूल जिसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, यह जो है आपके दो मटेरियल से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका एब्रेसिव और दूसरा होता है बॉन्ड। अब एब्रेसिव को भी जो है दो भागों में पाया जाता है, तो एक तो होता है प्राकृतिक रूप से और जो कि, और दूसरा है आपके आर्टिफिशियल जो कि हम खुद तैयार करते हैं। अब ये प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं, अब ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक जो होते हैं वो आपके कोरंडम, एमरी, हीरा यानी कि डायमंड, ये तीन जो है प्राकृतिक रूप से जो है पाए जाते हैं एब्रेसिव मटेरियल। और वहीं अगर आर्टिफिशियल मटेरियल की बात की जाए, है ना, तो वो होता है आपके सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दो का जो है हम आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड की। तो दोस्तों, बॉन्ड जो है वह यहाँ पर कटिंग नहीं करता है, ये शेप देता है किसको, आपके एब्रेसिव मटेरियल जो भी है उसके द्वारा आप जो टूल को तैयार करते हैं तो वहाँ पर उसको शेप देने के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बॉन्ड भी जो है आपके यहाँ पर सात तरीके से होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका विक्ट्रीफाइड या फिर सिरामिक बॉन्ड। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि सिरामिक बॉन्ड जो कि आपने सिरामिक तो वर्ड सुना होगा लेकिन विक्ट्रीफाइड हर किसी को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि सिरामिक बॉन्ड को ही आपके विक्ट्रीफाइड बॉन्ड कहते हैं। अब दूसरी बात हो गया आपके रेजोनाइट या फिर बैकेलाइट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर रेजोनाइट जिसको बोला जा रहा है वह आपका बैकेलाइट का होता है। बैकेलाइट तो आपने सुना ही होगा, है ना। और अगर आपके घर के अगर अंदर में अगर बात करूं कि आपका बैकेलाइट कौन सा होता है, तो आपने देखा होगा आपका आयरन प्रेस जो होता है, जो उसका जो हत्था होता है वो बैकेलाइट का बना होता है दोस्तों, ठीक है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब देन इसके बाद में हो गया आपका शैलिक बॉन्ड, ठीक है, और देन इसके बाद में आपका सिलिकेट बॉन्ड होता है, और रबर बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। इस प्रकार से दोस्तों ये जो है सात प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एब्रेसिव मटेरियल को शेप देकर यह टूल तैयार किया जाता है, ठीक है, ग्राइंडर व्हील, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों आपके ग्राइंडिंग व्हील की महत्वपूर्ण परिभाषा। देख लेते हैं कि भी आपके ग्राइंडिंग व्हील के लिए कौन कौन सी परिभाषाएं होती है जो कि बहुत ही आपके एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो पहला होता है आपके ग्लेजिंग। दोस्तों, ग्लेजिंग क्या होता है, यह एक विधि है जिसमें कि ग्राइंडिंग व्हील का फेस शीशे के समान सामान चमक जाने को ही ग्लेजिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि जब आप ग्लेजिंग करते हैं तो आपके ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है वो शीशे के समान जो है चमकता है या फिर चमकने लगता है, तो उसे हम ग्लेजिंग कहते हैं। देन इसके बाद में होता है आपके लोडिंग। अब ये लोडिंग क्या होता है, लोडिंग ऑफ व्हील, ये कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। व्हील के फेस के कण फंस जाने को लोडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आपके व्हील के फेस के कण जो कि कई बार जो है फंस जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लोडिंग कहते हैं। और पूरा अगर बात की जाए इसको तो कहते हैं लोडिंग ऑफ व्हील, ठीक है। दोस्तों, मैंने आपको जो यहाँ पर एक चार्ट की मदद से सब कुछ बताया है, याद रखिएगा ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि आपको ये याद रह जाएगा कि भाई आपके जो प्राकृतिक होते हैं एब्रेसिव वो कौन से होते हैं, तो आर्टिफिशियली आपको ऑटोमेटिक ही याद रह जाएंगे। और बॉन्ड के नाम पर तो कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। देन अब देखिए आपके ड्रेसिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, ड्रेसिंग, तो ग्राइंडिंग व्हील को साफ करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, ठीक है। और
ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ड्रेसिंग यूँ होता है कि आपके ग्राइंडिंग व्हील जब मेटल और इससे पूरा का पूरा जो है हो जाता है ख़राब, यानी कि उसके ऊपर जो है मेटल और ये से सब जम जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है ताकि उसकी शार्पनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रूइंग। ट्रूइंग तो दोस्तों आपने कई बार एग्ज़ाम में सुना भी होगा, देखा भी होगा कि भाई आपके जो है ट्रूइंग क्या होता है, ट्रूइंग ऑफ व्हील क्या होता है, ट्रूइंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, अलग अलग तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए। तो ग्राइंडिंग व्हील को स्पिंडल पर माउंटेड करने की विधि या व्हील के फेस की आकृति सही करना यदि वह टेपर और कोई किनारा ग्राइंडिंग व्हील का टूटा हुआ हो। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि ग्राइंडिंग व्हील को स्पिंडल पर माउंटेड करने के लिए करने की विधि, इस तरीके से भी आप ड्राइंग को बता सकते हैं। देन इसके बाद में इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि व्हील के फेस की जो आकृति होती है उसे सही करना किस पर क्यों करना है यदि वह आपके टेपर या किनारा ग्राइंडिंग व्हील का टूटा हुआ हो। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो ये जो है अलग अलग डेफिनेशन से, लेकिन दोस्तों इन सब दोनों का लिए एक ही ये कहा जाता है कि ट्रूइंग ऑफ व्हील। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार ऐसी परिभाषा हैं जो एग्ज़ाम में कई बार देखी जा चुकी है दोस्तों। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके ग्राइंडिंग व्हील की जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर होते हैं वो क्या क्या होते हैं जो आपके टेक्निकल एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पार्ट्स को अधिक शुद्धता में बनाने और फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो है अधिक शुद्धता जो है पार्ट्स की निखार सके और साथ ही साथ फिनिशिंग देने के लिए। देन इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट जो होता है, ग्राइंडर व्हील एक प्रकार का कौन सा टूल होता है। दोस्तों कई लोग ये जानते तो हैं कि ग्राइंडर टूल जो है एक कटिंग टूल होता है, लेकिन वे ये नहीं है कि भाई वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। देन आपके होता है ग्राइंडिंग व्हील किस से मिलकर बना होता है, तो यह जो है आपके एब्रेसिव और बॉन्ड से मिलकर बना होता है। देन इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट है, एब्रेसिव किस धातु को आसानी से काट सकता है। तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि एब्रेसिव मटेरियल जो कि होते हैं ये बहुत ही बारीक बारीक धातुओं के कण से मिलकर बना होता है, तो यह जो है बहुत ही हार्ड मटेरियल को भी आसानी से काट लेता है। ठीक है दोस्तों, देन इसके बाद में आपका फिफ्थ पॉइंट है, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील बहुत ही कड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, टफनेस की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि ग्राइंडिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। देन इसके सिक्स पॉइंट हो गया, एब्रेसिव कण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं दोस्तों, एब्रेसिव कण जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, और सेवन्थ पॉइंट है, कोरंडम एक प्रकार का एब्रेसिव है। तो जो यहाँ पर आपका कोरंडम जो है, आपको मैंने जैसा कि पहले बताया है चार्ट की मदद से जो मैंने आपके लिए तैयार किया है दोस्तों, वह एक उसमें बताया कि प्राकृतिक एब्रेसिव मटेरियल होता है आपके कोरंडम। ठीक है दोस्तों, ये वे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको तो कम से कम अच्छी तरीके से पढ़ के ज़रूर जाएँ मेरी माने। देन इसके बाद में आपका एट्थ पॉइंट हो गया, एब्रेसिव कणों को ग्राइंडिंग व्हील में किसकी हेल्प से ढाला जाता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि एब्रेसिव कणों को ग्राइंडिंग व्हील में जो है बॉन्ड की मदद से ढाला जाता है ताकि जो है परफेक्ट शेप ले सके। देन इसके बाद में आपका नाइन्थ जो होता है, यहाँ पर इसको आप पॉइंट कहें या क्वेश्चन जो भी है आपके लिए दोनों ही होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड कैसे होते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो सख्त और भंगुर टाइप का होता है ताकि शॉक को रेसिस्ट कर सके, सख्त रहेगा तो अच्छी तरीके से काट पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों आपका जो टेंथ पॉइंट होता है, किस बॉन्ड की सहायता से ग्रीडेड द्वारा जॉब को उच्च फिनिशिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है यह शैलेक बॉन्ड के द्वारा जो है उसको अच्छी उच्च फिनिशिंग दी जाती है। ठीक है दोस्तों,
अब पॉइंट जो है आपका 11 हो जाता है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, वह उसका ग्रेड कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि इस पर कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा बॉन्ड ग्रेड कहते हैं उसको, पकड़ने बॉन्ड के द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं, आपके ग्रेड कहते हैं। अब जो 12th पॉइंट है, एक व्हील में बॉन्ड एवं एब्रेसिव के मध्य अंतर को कहते हैं, एक व्हील में बॉन्ड एवं एब्रेसिव के मध्य के अंतर को जो है हम स्ट्रक्चर कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब जो है जो आपका 13 क्वेश्चन है वो आपके व्हील की सतह पर धातु के कणों को फंसने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो है लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं, मैंने जैसा कि आपको परिभाषा बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं आपके व्हील के एब्रेसिव कणों का बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों ग्लेजिंग। जल्दी अगर आपके एब्रेसिव कणों का जो बॉन्ड की अपेक्षा अगर जल्दी घिस जाता है तो उसे कहते हैं ग्लेजिंग ऑफ व्हील। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब 15th क्वेश्चन जो है आपके ओपन स्ट्रक्चर का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 11 से 15 तक जो होता है वो आपके ओपन स्ट्रक्चर का नंबर होता है। ठीक है, अब व्हील के लोडिंग और ग्लेजिंग होने से क्या करना चाहिए, होने पर क्या करना चाहिए। तो ये लोडिंग और ग्लेजिंग अगर हो जाती तो उसके लिए हमको ड्रेसिंग की मदद लेनी चाहिए ताकि व्हील की जो है वापस से स्थिति को सुधारा जा सके, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब छोटे कार्यों के लिए कौन सा ग्राइंडर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं 18th क्वेश्चन की, तो व्हील से ग्लेजिंग लोडिंग या गड्ढे पर पड़ जाने पर उसे किस टूल के द्वारा ठीक किया जाता है। तो उसे जो है ड्रेसिंग टूल के द्वारा सही किया जाता है। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन है, समांतर व टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर से ग्राइंड किया जाता है। तो दोस्तों यह जो है आपके सिलिंड्रिकल जो है ग्राइंडर से ग्राइंड किया जाता है। अब दोस्तों आपके जो 20 क्वेश्चन है वह है, लेटे हुए समतल तलों को किस ग्राइंडर विधि के द्वारा ग्राइंड की जाती है। तो यह जो है दोस्तों आपके सरफेस ग्राइंडिंग के द्वारा जो है समतल तलों को ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यहाँ पर दोस्तों नंबरिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। लोट जो 21 होगा वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वह जो है आपके सिलिकन कार्बाइड होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया आपके कि लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए कौन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें इसके लिए हम क्यों कौन से एब्रेसिव यानी कि सॉरी आपके एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है आपके कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, और यह जो है एक एब्रेसिव मटेरियल है। ठीक है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का हमें इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद में आपका हो गया आपके 22 जो क्वेश्चन है वह है, ड्रेसिंग करने वाले औजार को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ड्रेसिंग करने वाले औजार को जो हम कहते हैं व्हील ड्रेसर। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। अब बात कर लेते हैं आपके 23 क्वेश्चन की, तो सैंड बेल्ट ग्राइंडिंग द्वारा किस जॉब की ग्राइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों यह जो है आपके टेढ़े मेढ़े आकृति को जॉब की आकृति के जो जॉब होते हैं उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका जो 24th पॉइंट मतलब क्वेश्चन है दोस्तों वह है, डिश व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो डिश व्हील का प्रयोग जो है आपके कटर के दांते तेज करने के लिए किया जाता है। अब 25th जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, ग्रेन साइज को मापा जाता है। तो दोस्तों ग्रेन साइज को जो है प्रति वर्ग इंच में मापा जाता है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी एक और हो गया दोस्तों। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन से जो कि कई बार आपके आईटी एग्ज़ाम मैकेनिकल वर्कशॉप या इनसे रिलेवेंट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें सब में आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कम से कम इनको ज़रूर आप एग्ज़ाम में जाएँ और पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देन इसके बाद में आपके जो 25th होता है वह है, ISI के अनुसार ग्रेन साइज को वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों वह जो है ISI के अनुसार जो ग्रेन साइज होता है अवेलेबल आपके 10 से 600 तक होता है। इसके बारे में भी आपको मैं आगे एक इंडेक्स अवेलेबल करवा दूंगा। अब दोस्तों आपके जो 27 की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर नंबर पाए जाते हैं, तो वह जो है आपके 1 से 16 नंबर तक पाए जाते हैं। ठीक है, अब
28 जो होगा रेजोनॉइड को बनाया जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन तो कई बार देख लिया गया है एग्ज़ाम्स में, आईटी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टेक्निकल जितने भी होते हैं वो सब में आते हैं ये वाला क्वेश्चन कि रेजोनॉइड को किससे बनाया जाता है। तो यह जो है आपके रेजिन से बना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 29 जो क्वेश्चन है वह है विट्रीफाइड को किस क्ले से बनाया जाता है। तो यह जो है आपके चीनी मिट्टी से बने होते हैं। अब 30 जो आपके क्वेश्चन है, गीली जगह पर प्रयोग किए जाने वाला बॉन्ड कौन सा होता है। तो उसके लिए हम जो है विट्रीफाइड बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप देख ही रहे हैं ये क्वेश्चन तो आपने कई बार देख लिए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं आपके स्नैगिंग। ठीक है, तो स्नैगिंग क्या होती है, तो वह जो है आपके ग्राइंडिंग क्रिया होती है स्नैगिंग भी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये आपके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब जो आपके 32 क्वेश्चन है वह है अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला बॉन्ड जो होता है वो होता है आपके विट्रीफाइड बॉन्ड, क्योंकि यह तो गीली जगह पर भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से होता है। दोस्तों तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है जो कि नॉर्मली आपके टेक्निकल एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपके जो यहाँ पे लिख रखा है 15A36L5V23। दोस्तों इस प्रकार का आपने जो है स्पेसिफिकेशन ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर देखा होगा, लिखा होता है कुछ इस तरीके से। तो इनका क्या मतलब होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में इस तरह के लिखे गए अक्षर क्या होते हैं, देखिए 15 जैसा कि दिया गया है, तो 15 जो है कंपनी द्वारा दिए गए एब्रेसिव के नंबर को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, कंपनी द्वारा जो एब्रेसिव नंबर दिया जाता है वह यह होता है 15। जैसे कि अब बात करते हैं ए की, बात करते हैं तो ए से होता है आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वहीं पर आपके सिलिकॉन की बात करेंगे तो वहां पर जो है आपके एस से दिखाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 46 नंबर क्या होता है, तो 46 जो यहाँ पर बताया है उसका ग्रेन साइज़ बताया गया है कि ग्रेन साइज़ जो है इसका नंबर है 46। अब बात करते हैं एल की, तो एल क्या दिया गया है, यहाँ पर ग्रेड दिया गया है। अब ग्रेड में भी एल होता है कि ये मीडियम में आता है कि आपके किस में आता है। ठीक है, तो उस टाइप से मैं आपको आगे बताऊंगा। अब 5 जैसा कि दिया गया है दोस्तों, तो 5 का मतलब होता है व्हील स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हील स्ट्रक्चर नंबर क्या दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है। अब बात करते हैं वी की, तो वी को यहाँ पर दिखाया गया है बॉन्ड से, और ये कौन सा बॉन्ड है, ये आपका विट्रीफाइड बॉन्ड होता है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके 23, यहाँ पर जैसा कि लिखा होता है तो कंपनी का अपना जो है प्रतीक चिन्ह जो दिया गया है उसके लिए नंबर आपका 23 होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड के लिए जो अक्षर प्रदर्शन किए जाते हैं, जो बताते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड है, तो उसके ऊपर भी बात कर, जैसा कि आपको स्पेसिफिकेशन में दिया गया है, तो वी का मतलब तो होता है दोस्तों आपके विट्रीफाइड बॉन्ड। देन इसके बाद में एस की बात करते हैं तो सिलिकेट बॉन्ड होता है, फिर ई की बात करते हैं तो शैलाक बॉन्ड होता है, और इसके बाद में बी का मतलब होता है दोस्तों आपके रेजोनाइट बॉन्ड, और आर का मतलब होता है रबर बॉन्ड, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड, और एम का मतलब होता है मेटालिक बॉन्ड या फिर मेटल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको मिस मत कीजिएगा। ये पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपके पूरे कंप्लीट जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों, तो देखते रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेन साइज चार्ट होता है वह क्या होता है, तो ग्रेन साइज़ का जो टेबल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रेन साइज़ दिया गया है, और ये इस प्रकार की यहाँ पर जो है आपको किस तरीके का ग्रेड है, मतलब यहाँ पर ग्रेन्स है वह बताया गया है। तो दोस्तों जैसे कि कोर्स ग्रेन की बात की जाती है, तो यह अवेलेबल होता है इनके लिए, जो ग्रेन साइज़ होता है वह 10, 12, 14, 16, 24 तक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेन साइज़ के जो होता है ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेन साइज़ होता है वह कोर्स में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो होता है 10, 12, 14, 16 और 24 के इसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम टाइप के, तो उसके लिए जो है 30, 36, 46, 54 ये जो होता है ये आपका ग्रेन साइज़ इसमें अवेलेबल होता है मीडियम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फाइन ग्रेन की, तो वहाँ पर होता है 80, 100, 120, 150 तक होता है। तो 80 से 150 तक कहाँ पर हो गया, आपके फाइन तक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी फाइन
की अगर ग्रेन साइज़ की बात की जाए तो ये अवेलेबल होता है 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600 तक होता है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में वहाँ पर क्वेश्चन कवर किया था जिसमें बताया था कि ग्रेन साइज़ कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल होता है, तो वो होता है आपके एक तो 10 से स्टार्टिंग होती है जो कि आपके 600 तक अवेलेबल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और यदि आपको बीच में से भी पूछ लिया जाए तो आपको इसमें से जो है आंसर देना होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके ग्राइंडिंग व्हील का जो स्ट्रक्चर होता है, तो दोस्तों टेबल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील स्ट्रक्चर नंबर, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपके स्ट्रक्चर दे रखा है, तो जो ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप्स का होता है। किस किस टाइप का? आपका एक तो डेंस टाइप का होता है और एक जो है ओपन टाइप का होता है। तो इसके लिए जो आपको स्ट्रक्चर नंबर दिया गया है वो है आपका 1 से 8 तक और जो ओपन है वो 9 से 16 तक। तो दोस्तों इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वह 1 से 16 तक होता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में वहां पर कवर किया था। अब बात कर लेते हैं आपके जो है ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड का जो टेबल होता है वह किस किस टाइप होता है, ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड टेबल क्या है। तो उसमें दोस्तों आपके जो ग्रुप है, तो ग्रुप हो गया आपका सॉफ्ट होता है, मीडियम हो गया है और एक आपके हार्ड, तीन कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। अब बात करते हैं आपके जो ग्रेड की बात करें, तो ए से लेकर एस तक जो होते हैं ग्रेड, उसमें रखा जाता है यह है आपके सॉफ्ट कैटेगरी को। देन इसके बाद में जो आपके मीडियम कैटेगरी होती है वो होती है आई से पी तक, ठीक है, और जो हार्ड कैटेगरी होती है वो होता है क्यू से जेड तक। तो दोस्तों जो है यहाँ पर आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों मैंने जो पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भाई आपकी ग्राइंडिंग स्पीड जो होती है वो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग होती है, उसे भी आप एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ में आपका जो है ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल रहे तो दोस्तों इस लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है कि आप हमारी जो है मेहनत को सराहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में SND एजुकेशन आपसे विदा लेता है। जय।